गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम एस किरण गोस्वामी, एम एस सी इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इन दैट प्रीवियस क्लास वी हैव सीन अबाउट द ग्रीफ एंड ग्रीफ रिएक्शन थ्योरीज, एंड नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रीफ। ओके, इन दैट फर्स्ट टाइप इज एंटिसिपेटरी ग्रीफ, सेकेंड इज नॉर्मल और कॉमन ग्रीफ, थर्ड इज कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, एंड फोर्थ इज द डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ। ओके, सो फर्स्ट टाइप इज एंटिसिपेटरी ग्रीफ। ओके, एंटिसिपेटरी ग्रीफ हैज़ बीन डिफाइंड एज द टोटल सेट ऑफ कॉग्निशन, अफेक्टिव, कल्चरल एंड सोशल रिएक्शन टू एक्सपेक्टेड डेथ फेल्ट बाय द पेशेंट एंड फैमिली। ओके, मीन्स एंटिसिपेटरी ग्रीफ, इसमें क्या होता है कि ग्रीफ रिएक्शन जो है वो कब स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली में डेथ होने वाला है, ठीक है। सपोज़ किसी फैमिली मेम्बर का डेथ होने वाला है, तो अगर सपोज़ उनको कोई डिसऑर्डर है लाइक कैंसर है, और फैमिली मेम्बर्स को पता है, सारे फैमिली मेम्बर्स को, कि पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर है, और मैक्सिमम 15 डेज बाद वो पर्सन क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा उनका, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे जो भी रिएक्शन होता है फैमिली मेम्बर्स का, जिस पीरियड में रहेंगे ग्रीफ रिएक्शन के, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटरी ग्रीफ। मतलब कि पहले से ही पता रहता है कि डेथ होने वाला है, ठीक है, और उसके वजह से जो पर्सन में रिएक्शन होते हैं फैमिली मेम्बर्स में, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटरी ग्रीफ, मीन्स बिफोर हैपनिंग एनी सिचुएशन और एनी डेथ। ओके, सो द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ग्रीफ हैव बीन आइडेंटिफाइड एमंग सर्वाइवर्स। ठीक है, सर्वाइवर्स क्या फील करते हैं अगर उनको पता चल जाए कि पर्टिकुलर ग्रीफ हो या पर्टिकुलर ऑकरेंस होने वाला है, दे विल फील डिप्रेशन, मीन्स दे विल हैविंग द सैड मूड, देन हाइटेंड कंसर्न फॉर द डाइंग पर्सन। ठीक है, जो पर्सन मरने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, उनमें कंसर्न हो जाते हैं, ठीक है, उनके हर एक एक्टिविटी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, देन अटेम्प्ट्स टू एडजस्ट टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दी डेथ। ठीक है, अब पहले से तो पता चल गया है कि डेथ होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए पहले से ही क्या हो जाते हैं, इस टाइम पीरियड पे पर्सन या फैमिली मेम्बर्स प्रिपेयर हो जाते हैं और उस सिचुएशन को क्या करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो एंटिसिपेटरी ग्रीफ, दैट मीन्स द बैड सिचुएशन, बैड इवेंट्स इज नोन प्रीवियसली एंड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, द पर्सन और द फैमिली मेम्बर्स विल बी फील सॉरो, सैड, डिप्रेस्ड, दैट ऑल कम्स अंडर द एंटिसिपेटरी ग्रीफ रिएक्शन। ओके, द नेक्स्ट इज एंटिसिपेटरी ग्रीफ्स प्रोवाइड्स फैमिली मेम्बर्स विद टाइम टू ग्रेजुअली एब्जॉर्व द रियलिटी ऑफ द लॉस। ठीक है, मीन्स अब डेथ होगा ये तो पता है, ठीक है, इसलिए एंटिसिपेटरी ग्रीफ क्या प्रोवाइड करता है कि फैमिली मेम्बर्स उस सिचुएशन से क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें, और एडजस्टमेंट के लिए ये क्या करता है, टाइम प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि उस सिचुएशन को क्या कर सकें, अडॉप्ट करें। देन इंडिविजुअल्स आर एबल टू कम्प्लीट अनफिनिश्ड बिजनेस विद द डाइंग पर्सन। ठीक है, मीन्स डाइंग पर्सन के साथ अगर उनका कुछ बचा हुआ है, कुछ उनको कहना बाकी है, या कुछ उसका विल वगैरह बाकी है, तो वो सारा चीज़ क्या करते हैं, इस पीरियड में फाइनल करते हैं, लाइक सेइंग गुड बाय, सेइंग आई लव यू, सेइंग आई फॉरगिव यू, सो दैट्स ऑल थिंग्स दे हैव टू से एट लास्ट टू दी डाइंग पर्सन। ओके, सो दीज ऑल आर अबाउट दी एंटिसिपेटरी ग्रीफ। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी नॉर्मल और कॉमन ग्रीफ। ओके, इन जनरल नॉर्मल और कॉमन ग्रीफ रिएक्शंस आर मार्क्ड बाय अ ग्रेजुअल मूवमेंट टुवर्ड्स अ एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉस, एंड ऑल्दो डेली फंक्शनिंग कैन बी वेरी डिफिकल्ट, मैनेजिंग टू कंटिन्यू विद बेसिक डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हमको इस टाइम पे क्या होता है, नॉर्मल ग्रीफ में जो डेली रूटीन में कुछ लॉसेस होते हैं, लाइक जॉब लॉस हो गया, या तो फिर कुछ और बैड कंडीशन हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशंस पे जो नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ग्रीफ रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल और कॉमन ग्रीफ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज़ रहता है, डेली रूटीन का जो फंक्शनिंग है, ठीक है, लाइक बाथिंग, ब्रशिंग, पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस, कुकिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ सम हाउ अमाउंट में क्या हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं। ओके, देन नॉर्मल ग्रीफ यूजुअली इंक्लूड सम कॉमन इमोशनल रिएक्शन दैट इंक्लूड इमोशनल नमनेस। ठीक है, मीन्स नॉर्मल ग्रीफ के कारण कुछ कुछ फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, वो अपन देखते हैं, लाइक द पर्सन कैन फील नमनेस, शॉक, डिसबिलीव। ठीक है, शॉक भी हो सकता है, उसको झटका लग सकता है कि उसको कुछ होने वाला है, ठीक है, डिसबिलीव उस सिचुएशन को क्या करेगा, बिलीव नहीं करेगा, ठीक है, डिनाइल मीन्स उस सिचुएशन को टोटली क्या कर देगा, अवॉइड कर देगा, ऑफन ऑकरिंग इमिडिएटली आफ्टर द डेथ,
पर्टिकुलरली इफ़ द डेथ इज़ अनएक्सपेक्टेड, अगर डेथ अनएक्सपेक्टेडली हुआ है तो नॉर्मली पर्सन में ये सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। द पर्सन विल बी हैविंग शॉक, द पर्सन विल बी हैव डिनाइल रिएक्शंस और नमनेस, ओके। सो दीज ऑल आर अबाउट दी नॉर्मल ग्रीफ। हियर नॉर्मल और कॉमन ग्रीफ अपियर्स इन अक्रेंस इन 50-85% ऑफ द पर्सन्स फॉलोइंग अ लॉस, इज टाइम लिमिटेड बींग सून आफ्टर द लॉस एंड लार्जली रिजॉल्व विद इनफ ईयर्स टू टू, ठीक है। मीन्स 50-80% में होता है, और क्या हो सकता है कि कब तक चल सकता है ग्रीफ रिएक्शन, 1 year और 2 years, ठीक है, 1 year 2 years तक हो सकता है रिएक्शन। सो वी हैव सीन अबाउट द एंटीसिपेटरी ग्रीफ, सेकेंड इज द नॉर्मल ग्रीफ, द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, ओके। हियर दिस पैटर्न आर डिस्क्राइब इन द कंपैरिजन टू नॉर्मल ग्रीफ एंड हाईलाइट वेरिएशंस फ्रॉम द नॉर्मल पैटर्न, दे इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव लेबल्स सच एज द फॉलोइंग, ठीक है। मीन्स नॉर्मल ग्रीफ में नॉर्मल रिएक्शंस थे ना, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ क्या रहता है उससे जस्ट अपोजिट रहता है नॉर्मल या कॉमन ग्रीफ से, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप इज इनहिबिटेड और एबसेंट ग्रीफ, अ पैटर्न इन विच पर्सन शो लिटिल एविडेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड सेपरेशन, डिस्ट्रेस, सीकिंग, यर्निंग और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल ग्रीफ, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल ग्रीफ में पर्सन फुल्ली शो कर दे रहा था ना ग्रीफ में, लेकिन एबसेंट ग्रीफ में क्या रहता है, ये सारे जो रिएक्शंस रहते हैं वो क्या रहते हैं, कम अमाउंट में रहते हैं, पर्सन जो रहता है फुल्ली उसको शो अप नहीं करता है दूसरों के सामने, ठीक है। द पर्सन विल बी हैविंग दी सेपरेशन, डिस्ट्रेस रहता है उनको, सीकिंग, अर्निंग, यर्निंग दैट मीन्स द पर्सन विल बी सैड, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहते हैं पेशेंट में, लेकिन वो कम अमाउंट में रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनहिबिटेड और एबसेंट ग्रुप। इनहिबिटेड दैट मीन्स लो इनहिबिशन, ओके। देन सेकेंड इज द डिलेड ग्रीफ, अ पैटर्न इन विच सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस, सीकिंग, यर्निंग इटीसी अकर्स एट अ मच लेटर टाइम देन इज टिपिकल, ठीक है। डिलेड ग्रीफ दैट मीन्स, डिले दैट मीन्स थोड़ा डिले होना या लेट से होना, ठीक है। डिलेड ग्रीफ में क्या होता है, जैसे कि सडनली हम लोग को पता चलता है कि फैमिली मेम्बर्स में किसी का डेथ हो गया है, ठीक है, तो हम लोग कभी कभी अगर वो ज़्यादा ही लव्ड वन रहता है तो हम लोग तुरंत रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, हमारे आँखों से तुरंत आंसू नहीं आता है, हम लोग कुछ रिएक्ट नहीं करते, एकदम शॉक में चले जाते हैं, ठीक है। तो ग्रीफ रिएक्शन क्या रहता है, थोड़ा डिले हो जाता है, हम लोग कुछ भी शो अप नहीं करते हैं, जस्ट शॉक्ड हो जाते हैं उस सिचुएशन से, और कुछ टाइम पीरियड के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं लाइक क्राइंग, ओके। सो फर्स्ट इज़ व्हाट, इनहिबिटेड ग्रीफ और एब्सेंट ग्रीफ, सेकेंड इज़ डिलेड ग्रीफ, जिसमें कि ग्रीफ रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा लेटर टाइम पीरियड के बाद होता है, ओके। द नेक्स्ट इज क्रॉनिक ग्रीफ, अ पैटर्न इम्फेसाइजिंग प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ग्रीफ सिम्टम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रॉनिक ग्रीफ में जो ग्रीफ का रिएक्शन रहता है या ग्रीफ का सिम्टम्स रहता है वो बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है, आदर इट मे बी क्रॉसिंग द 1 or 2 years, ओके। द नेक्स्ट इज डिस्टॉर्टेड ग्रीफ, अ पैटर्न करेक्टराइज बाई एक्सट्रीमली इंटेंस और अटिपिकल सिम्टम्स, ठीक है। इसमें जितने भी हम लोग सिम्टम्स पढ़े हैं लाइक डिस्ट्रेस, सीकिंग, यर्निंग, ये सारे जो सिम्टम्स रहते हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं किसी भी पर्सन में, दैट इज़ वॉट डिस्टॉर्टेड ग्रीफ। सो इन कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ फर्स्टली वी हैव सीन अबाउट द इनहिबिटेड ग्रीफ, मीन्स दैट ग्रीफ रिएक्शन इज नॉट शोन टू द अदर पर्सन, इट इज़ सप्रेस्ड, ओके। द नेक्स्ट इज द डिलेड ग्रीफ, द पर्सन विल बी शो द ग्रीफ रिएक्शन इन लेटर पीरियड। द नेक्स्ट इज क्रॉनिक ग्रीफ, हियर द प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ग्रीफ रिएक्शन इज देयर। देन डिस्टॉर्टेड ग्रीफ, द पर्सन विल बी हैविंग द एक्सट्रीमली इंटेंस सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ, ओके। सो फर्स्ट इज एंटीसिपेटरी ग्रीफ, सेकेंड वी हैव सीन अबाउट द नॉर्मल और कॉमन ग्रीफ, थर्ड वी हैव सीन अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, देन लास्ट वी विल सी अबाउट द डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ, ओके। सो हियर डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ इज टर्म डिस्क्राइबिंग ग्रीफ दैट इज नॉट एक्नॉलेज्ड बाय द सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि जो ग्रीफ रिएक्शन है, पर्सन खुद उस ग्रीफ रिएक्शन को क्या करता है, फील करता है, सफ़र करता है, और वो दूसरों के सामने ज़्यादातर क्या करता है, शो ऑफ नहीं करता है, ठीक है, दूसरों को बताता नहीं है या दूसरों को ये एहसास नहीं होने देता है कि वो सम अमाउंट में अंदर ही अंदर क्या होता है, सैड है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, अपना दुख दूसरों के सामने वो शो अप नहीं करता है, ठीक है, खुद में ही दबा के रखता है या रिप्रेस्ड रखता है, ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ आर लॉस ऑफ पेट, ठीक है, द
then trauma in family members, a generation period, loss of home or place of residence, ठीक है, ऐसे ऐसे situations अगर हो जाते हैं तो person ज़्यादा तो दूसरों के सामने सॉफ नहीं करते हैं, ठीक है. Disenfranchised grief is grief others don't recognize, ठीक है, ऐसा grief रहता है disenfranchised grief जिसको दूसरे नहीं जान पाते हैं कि particular जो सामने वाला person है वो इस grief से या तो फिर किसी दुख या दर्द से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ओके. Disenfranchised grief may be the death of the secret partner or pet or a miscarriage, ठीक है. Disenfranchised grief का example हम लोग क्या ले सकते हैं, death of a secret partner, ठीक है, like extramarital affairs, then pet और miscarriage. कभी कभी ये सारी चीज़ हो जाते हैं तो दूसरों के सामने शो अप नहीं किया जाता है, वो grief reaction को person खुद ही क्या करते रहता है, suffer करते रहता है, okay. So we have seen about the four types of grief reaction. First is anticipatory grief, second is the common or normal grief, third is complicated grief. In that first we have seen inhibited or absent grief, second is delayed grief, chronic grief and distorted grief, and last we have seen about the disinfection.